कोविड 19 का मजबूती से मुकाबला कर रही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने रविवार को बताया कि दिल्ली में अब कोरोना वायरस के कुल मिलाकर आंकड़े जो हैं वो 1069 केस हो चुके हैं। इनमें से 712 केस मरकज के हैं और बाकी सारे दिल्ली के हैं। जैन ने बताया कि दिल्ली में अब तक 19 मौतें हो चुकी हैं। यहाँ 54 मरीज ICU में हैं और 8 लोग वेंटिलेटर पर भी हैं। सत्येंद्र जैन ने कहा कि राजधानी दिल्ली में जिन 33 हॉटस्पॉट को सील किया गया है उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह था मरकज के 712 केसेज वहाँ के हैं और बाकी सारे दिल्ली के और जो बाकी लोग हैं 357 केस हैं। अभी तक 19 डेथ हो चुकी हैं दिल्ली में और 54 लोग ICU में हैं और 8 लोग वेंटिलेटर के ऊपर हैं। जो 33 एरियाज को सील किया गया है वहाँ पर तो पूरा ध्यान रखा जा रहा है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हर घर के अंदर जाके मेडिकली चेकअप करना, हर घर को स्कैन करना। तो एक एक आदमी को, एक एक इंसान को घर घर जाके उसको स्कैन किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर कोई भी सिम्टोमेटिक है, थोड़ा सा भी उसका सिम्टम है, तो उसको टेस्ट किया जाता है ये देखने के लिए कहीं वो किसी और को फैला तो नहीं देगा। असली मकसद तो यही है ना कि भाई लोगों को एक अगर किसी को सिम्टम्स हैं या किसी को इन्फेक्शन है वो दूसरे को ना फैला दे। और मूवमेंट को भी कंट्रोल किया जाता है, बिल्कुल उस एरिया से बाहर जाना बिल्कुल अलाउड नहीं होता लोगों को। सबसे पेरीमीटर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है कि वहाँ के लोग उससे बाहर ना जा सके और बाहर के लोग अंदर ना जा।